हरे कृष्णा। अभी हम लोग कहाँ पर हैं? कहाँ पर? कहाँ पर हैं हम लोग? अभी कहाँ पर हैं? अभी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके साथ में कौन है? पार्वती देवी है उनके साथ। तो ये जो दीप है, ये मतलब सेकंड दीप हुआ। क्या दीप? दीप का नाम क्या हुआ? सीमंत दीप। सीमंत दीप की ये दीप से क्या हुआ था? इस दीप का जो भक्ति का अंग है क्या है, कौन बता सकते हैं? वहाँ पर क्या था अंतर्दीप में? क्या था? आत्मनिवेदनम। यहाँ पर क्या है? श्रवण। हरि बोल। तो ये जो श्रवण क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हुआ था? माता पार्वती ने आकर के चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आकर के तपस्या किए थे। कौन तपस्या किए थे? माता पार्वती ने। आप लोग यहाँ यहाँ पर मतलब देख रहे होंगे, वो ऐसे मतलब तपस्या मुद्रा में बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? माता पार्वती। वो जब मतलब चैतन्य तपस्या किए, चैतन्य महाप्रभु का जब उनको मतलब दर्शन मिलता है, उस धूल को जहाँ पर मतलब आते हैं चैतन्य महाप्रभु, इस जगह में वो क्या करते हैं, उस जगह का धूल को लेकर के अपना सीमंत में सिंथी में मतलब क्या करते हैं, धारण करते हैं। इसलिए दीप का नाम क्या रहता है? सीमंत दीप की। इस दीप में और भी लीला है। क्या लीला है? यहाँ पर जैसे हम लोग क्या दर्शन किए, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी, इनका बहुत मतलब लीला है। एक बार एक जन भक्त थे, भक्त का नाम हुआ जगदीश गांगुली। क्या नाम हुआ? जगदीश गांगुली। जगदीश गांगुली जो थे वो मतलब जन्म से अंध थे। भक्त जी आप लोग बात नहीं करेंगे, हरि बोल, घर में जाके बात करेंगे। यहाँ बात करें तो फिर क्या सुनेंगे? हाँ, किनका नाम था? भक्त कौन थे बोलिए? रुकिए, वो बोलेंगे। नहीं, मैं तो सुना ही नहीं, वही तो प्रॉब्लम। जगदीश गांगुली वो मतलब क्या थे? जन्म से अंध थे। उनको फिर मतलब जो उनका जब आपका 50 साल का उम्र जब उनको हो जाता है, फिर उनको स्वप्न होता है। क्या स्वप्न होता है? कि जगन्नाथ जी का जो मतलब दारू है, वो मतलब उनको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? गंगा मिलेगा। उनको ऐसा मतलब स्वप्न हुआ कि जब आप जाके कल जब जाकर के गंगा में स्नान करेंगे, वहाँ आपको जगन्नाथ जी का दारू मिलेगा। उस दारू को आपको ला करके एक मतलब आपके जो कारपेंटर है उनको ला करके देना है। उनका मतलब क्या है, कुष्ठ रोग से वो मतलब पीड़ित है, उनको दे करके हमारे जगन्नाथ जी का विग्रह को बनाना है, ठीक है। और बोले कि जब अभी ये मतलब जगन्नाथ जी के दारू जब मतलब आएगा, कहाँ आएगा? जमशेदपुर में, गंगा में जब आपको जब मतलब मिलेगा, जब आप उसको स्पर्श करेंगे, आपका जो आंख है क्या होगा, खुल जाएगा। अगला दिन फिर क्या, जब मतलब जगदीश गांगुली जब मतलब जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो उनका शरीर में आकर के वो मतलब नीम का जो जो मतलब दारू है वो उनके आगे उनका शरीर में लगता है। तो फिर क्या होता है, तुरंत क्या होता है, उनका आंख मतलब खुल जाता है। वो जो जन्म से अंध थे तब सब कुछ मतलब देख पाते हैं, और फिर भक्त लोग के जरिए क्या करते हैं, उस दारू को लेकर के उस मतलब पढ़ाई के पास जाते हैं। कारपेंटर जो है उसका क्या रोग है, कुष्ठ रोग है, वो क्या करता है, जगन्नाथ का दारू बनाने के लिए मतलब मना कर देता है, विग्रह बनाने के लिए। फिर क्या करते हैं, बोलते हैं कि जगन्नाथ जी स्वप्न किए हैं कि आपको ये दारू का, दारू से विग्रह आपको बनाना है। और ये भी उनको मतलब बोलते हैं कि जब आप ये विग्रह बनाते जाएंगे, तब आपके कुष्ठ रोग और हथौड़ी से वो जब मतलब विग्रह बनाते हैं, उनका हाथ से क्या होता है, खून सब आकर उसमें लगता है, और फिर उनको बहुत क्या होता है, कष्ट होता है। तो फिर क्या, वो फिर बनाने के लिए मतलब इनकार कर देते हैं, फिर भी वो रिक्वेस्ट करते हैं, और मतलब धीरे धीरे वो करके पूरा विग्रह मतलब बन जाता है। विग्रह जब मतलब आपका पूरा मतलब हो जाता है, उस विग्रह को यहाँ पर स्थापना करते हैं। फिर
फिर मतलब जब तक हमारा क्या करते हैं यहाँ पर पूरा मतलब मंदिर का निर्माण करते हैं, फिर यहाँ का पूरा मतलब दायित्व लेते हैं। ठीक है, पुष्यंत क्या होता था मतलब लोग का वहाँ पर स्कंद में सब बनता था, भोग बनता था और यहाँ पर आकर के भोग लगता था। तो क्या करते जो मतलब आपका उस टाइम जो पुजारी थे वो क्या करते थे मतलब मायापुर से जो भोग को यहाँ आकर के भगवान को ऑफर करते थे। एक बार क्या किए जो मतलब पुजारी जो है वो मतलब तुलसी पत्ता लाने के लिए भूल गए हैं, क्या करेंगे फिर क्या किए मतलब जब गए और मतलब जगन्नाथ जी के पास जाकर के भोग अर्पण किए और मतलब भगवान से प्रार्थना किए कि हम ऐसे तुलसी पत्ता लाने के लिए भूल गए हैं। फिर क्या होता है जब वो भोग मतलब ये करते भगवान को ऑफर कर देते हैं और जब पर्दा जब मतलब खुलते हैं तब जो उनका मतलब राइस जो है राइस का वो इतना तुलसी पत्ता मतलब रखा गया है। यहाँ पर क्या होता है जो भक्त यहाँ पर जो मतलब ये करता है मनोकामना करते हैं जो मतलब भक्ति के लिए जो करते हैं इच्छा करते हैं उनका मतलब पूर्ण हो जाता है। और यहाँ का जो एरिया है यहाँ पर ज्यादा मतलब मुस्लिम लोग हैं। एक बार एक मतलब मुस्लिम भक्त आए थे, उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया गया, वो क्या कि जगन्नाथ जी प्रसाद को मतलब इनकार करके ताकि उसको मतलब फेंक दिए थे। फिर क्या हुआ रात में उनका मतलब स्वप्न में बलदेव जी आते हैं और जगन्नाथ जी उनका स्वप्न मतलब आते हैं और आके उनको इतना मतलब पिटाई करते हैं। सुबह सुबह वो मतलब आकर के बोलते हैं कि हमको प्रसाद दीजिए आकर के प्रसाद मांगता है। तो यहाँ पर जितने बहुत सारे मुस्लिम भक्त भी वो है जो लोग मतलब छोला मला का ये करते हैं जपा करते हैं और मतलब टिकट भी करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मतलब यहाँ का इला है। तो इस जगह में हम लोग प्रणाम करेंगे और माता पार्वती जैसे मतलब सीमंत में धारण किए थे इस जगह को धूल को हम लोग फिर सीमंत में धारण करके अभी हम कहाँ जाएंगे गीता भवन में हम लोग जाएंगे और फिर कोई मतलब रूम में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे प्रसाद के लिए पूरा मतलब।